मान साहब को उनके सलाहकारों ने सलाह दी पंगा लेने की, उन्होंने पंगा लिया। अब पंगा वो जैसे वो बंदर लकड़ी फटे हुए से किल्ली निकाल लेता है तो कई बार उसकी पूंछ फंस जाती है, तो अब वो उसको भुगतना पड़ेगा। देखिए पिछले कुछ दिनों से पंजाब सरकार, पंजाब के राज्यपाल जो कुछ जानकारियाँ मांग रहे थे उनको देने से इनकार कर रही थी। राज्यपाल ने पूछा कि आपने कुछ प्रिंसिपल सिलेक्ट करके सिंगापुर भेजे हैं, मेरे पास शिकायतें आई हैं, बताइए क्या आपका क्राइटेरिया था, कितने लोग आपने सिलेक्ट किए, कितना खर्चा हुआ, सारी बातें जानकारी मांगी। ऐसे ही एक कोई सज्जन जो ऑथोराइज नहीं थे कुछ सरकारी कमेटियों में मीटिंग में बैठ रहे थे, फिर उसके अलावा कुछ वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हुई, कुछ और चीज़ें हुई। जितनी भी जानकारियाँ पंजाब के राज्यपाल मांग रहे थे, सरकार वो जानकारियाँ देने की बजाय उन पर बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। आप कौन हैं जी, आप हमसे क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो प्रिंसिपल की, आप बताओ जी गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन है जी, आप हमसे पूछ रहे हो किसने सिलेक्ट किया, गवर्नर को कौन सिलेक्ट करता है जी, ऐसी हम तो 2-3 करोड़ लोगों के चुने हुए हैं जी, हम इलेक्टेड हैं, आप सिलेक्टेड हैं, इस भाषा का इस्तेमाल वो लगातार कर रहे थे। अब जब पंजाब सरकार ने बजट सेशन के लिए अनुमति मांगी तो गवर्नर साहब ने अपने पत्र में ये लिखा कि ये मैंने जानकारियाँ आपसे मांगी थी, ये आपने जवाब दिया ट्वीट करके जो बहुत ही आपत्तिजनक है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे ये सब जानकारियाँ दीजिए और इसके बाद मैं लीगल ओपिनियन लेकर इसके बारे में निर्णय लूँगा। पहली बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि गवर्नर ने सेशन बुलाने से कभी मना नहीं किया था, उन्होंने कहा था मैं इस पर निर्णय लूँगा। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, इन द मेन टाइम गवर्नर साहब ने लीगल ओपिनियन लिया और लीगल ओपिनियन लेके कल सुनवाई से पहले ही जो सेशन है उसको बुलाने के कागज़ पर साइन कर दिए थे। केस की जब सुनवाई हुई तो उनकी पंजाब सरकार की तरफ से वकील श्री अभिषेक मनु सिंह भी उनकी तरफ से थे, गवर्नर की तरफ से तुषार मेहता जी और मैं थे, तो उन्होंने कहा जी हमने दिखाया कि हमने तो अनुमति दे दी है, परंतु उन्होंने फिर भी बहस करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि पहली बात, राज्यपाल को अगर कैबिनेट सिफारिश करती है सेशन बुलाने के लिए तो राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य हैं, जो हमने माना, हमने पहले ही सेशन बुलाने का आदेश कर दिया था। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कही है, जिस पर पंजाब सरकार का जो स्टैंड था वो गलत साबित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 167 के अंतर्गत किसी भी राज्य का राज्यपाल, फिर पंजाब का नहीं, किसी भी सूबे का राज्यपाल किसी भी सरकार से जो जो जानकारी मांगता है वो जानकारी देना सरकार का फर्ज है, सरकार को वो जानकारी देनी पड़ेगी। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आपके मतभेद हो सकते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री भी, राज्यपाल भी, जज भी, बाकी सब लोग, आपको भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आप गवर्नर को ये कहो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप उसको कहो जी कि हम तो चुने हुए हैं, चुने हुए का मतलब ये थोड़ा कि आप संविधान का पालन नहीं करोगे, कि बाकी जगह के जो मुख्यमंत्री हैं वो मर्यादा का पालन करते हैं, वो जो राज्यपाल कोई जानकारी मांगते हैं तो वो देते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी जब विदेश से आते हैं कोई बात होती है तो राष्ट्रपति जी को मिलने जाते हैं, वो राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर फाइल लेकर उनके पास जाते हैं। राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ना है विधानसभा में ये भी पहले कैबिनेट तैयार करके उनके पास अप्रूवल के लिए भेजेगी, वो अप्रूव करेंगे, दोनों की बातचीत होगी, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे होता रहता है, तो कभी वो प्रॉब्लम आई नहीं। ये पहली बार आम आदमी की पार्टी की सरकार है जो राजनीतिक कारणों से दिल्ली में भी और यहाँ भी राज्यपाल से टकराव ले रही है, राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती कर रही है। मुझे एक बात बताइए भाई, मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर राज्यपाल ने ये पूछा है कि ये प्रिंसिपल्स के सिलेक्शन में आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, कितना खर्चा हुआ है, कितने दिन लोग गए थे, तो इसको बताने में कौन सा राज्य का नुकसान होता है, बल्कि आप पर आगे के लिए अंकुश रहेगा, आप कोई भी काम करेंगे तो आपको होगा भी कोई ना कोई पूछने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं संविधान के अंतर्गत बने हैं, बनवारीलाल पुरोहित राज्यपाल बने हैं संविधान के अंतर्गत बने हैं, जजों की नियुक्ति हुई है संविधान के अंतर्गत नियुक्ति हुई है, तो अगर उसी संविधान ने जिनको उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार दिया है उसी संविधान ने राज्यपाल को भी तो कुछ कर्तव्य दिए हैं ना, तो अगर वो राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो इसमें उनको क्या आपत्ति है। नहीं, सीएम शादी में गए, मैं शादी में वहाँ था, ये बहुत अच्छी बात है, जो आपकी सामाजिक परंपराएं हैं, इवन विरोधी दल के नेता के यहाँ भी दुख सुख में आप जाते हो, ये बहुत अच्छी बात है, और पंजाब की तो खास तौर पे, हमारे यहाँ तो विरोधी एक दूसरे के दिन में जो मर्जी हो, लड़ाई जो मर्जी हो, दुख में सुख में बराबर शामिल होते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं वहाँ मौजूद था, भगवंत मान के शादी में आने का लोगों ने सभी ने प्रशंसा की, हम भी उसकी तारीफ करते हैं कि वो गए वहाँ, लेकिन जो संविधानिक फर्ज है वो केवल शादी ब्याह अटेंड करने से पूरे नहीं हो जाते। आप एक बात समझ लीजिए, राज्यपाल को बीजेपी या कांग्रेस अपॉइंट नहीं करती है, राज्यपालों को राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं, बकायदा संविधान में उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, केंद्र सरकार उसकी मंजूरी देती है, और मुख्यमंत्री राज्यपाल बनने के बाद गवर्नर और मुख्यमंत्री इन दोनों को मिलकर चलना होता। कई राज्य हैं जहाँ पर सरकार दूसरी पार्टी की है,
लेकिन राज्यपाल इस केंद्र सरकार नियुक्त किया हुआ, बनवारीलाल प्रोहित इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, वहां तो सरकार कम बीजेपी की नहीं है। अभी हिमाचल में शिव प्रकाश शुक्ल आए हैं राज्यपाल, वहां तो सरकार बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। जब आप संवैधानिक पद पर आते हो, चाहे मुख्यमंत्री चाहे गवर्नर, तो संविधान आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने व्यक्तिगत छोटे मोटे रीजनों से ऊपर उठकर संवैधानिक पद की मर्यादा का पालन करोगे। बाकी राज्यों में मर्यादा का पालन होता तो कोई दिक्कत होती नहीं है। मान साहब को उनके सलाहकारों ने सलाह दी पंगा लेने की, उन्होंने पंगा लिया। अब पंगा वो जैसे वो बंदर लकड़ी फटे हुए से किल्ली निकाल लेता है तो कई बार उसकी पूंछ फंस जाती है, तो अब वो उसको भुगतना पड़ेगा। देखिए, संविधान ने कहा है कि सरकार को जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कह दिया है कि सरकार जो भी राज्यपाल जानकारी मांगे वो देनी होगी। अगर वो नहीं देंगे, अगर कोई संविधान की उल्लंघना करेगा, कोई भी करेगा, तो लॉ विल हैव इट्स ओन कोर्स। पहले भी जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं उनका जो जो कानून के अनुसार होता वो होता है। जिन लोगों को लगता था हमारे बिना सरकार चल नहीं सकती, वो देखें उनके बिना बहुत अच्छी सरकार चल रही है। सच और अधिकारों की आवाज सुनी जाएगी, लोगों की फरियाद, सरकार के दावे, वादे और हकीकत पर होंगे विचार, क्योंकि युगमत टीवी है आपके साथ। तो बिना देर किए करें चैनल को सब्सक्राइब।